देश में अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे कानून अब गुजरे वक्त की बात हो गए हैं। आज से तीनों नए आपराधिक कानून देश में लागू हो गए हैं। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये तीनों कानून जिन्होंने आईपीसी 1860, सीआरपीसी 1973 और एविडेंस एक्ट 1872 की जगह ली, यानी 200 साल पुराने कानून जो थे उनकी मियाद अब खत्म हुई और देश अब अपने कानूनों से चलेगा। वो कानून जो अंग्रेज बनाकर गए थे, जिसमें लगातार सुधार तो होते रहे लेकिन उनको दंड संहिता का नाम दिया गया था, अब भारत का कानून न्याय संहिता है, भारतीय न्याय संहिता। और इसी बात पर जोर भी दिया गया है कि अंग्रेजों के कानून दंड देने के लिए थे लेकिन भारत का जो अपना कानून है, अपनी न्याय संहिता है, वो न्याय देने के लिए। आज से नए कानून के तहत ही केस दर्ज होने लगे हैं। धाराएं पूरी तरह से बदल चुकी हैं और इसको लेकर बाकायदा गृह मंत्री अमित शाह ने जानकारी मीडिया के जरिए देश के सामने रखी कि देश में कानूनों के लिहाज से क्या बड़े बदलाव हुए हैं और क्या फायदा इससे देश में आने वाला है। बड़े विश्वास के साथ कहता हूं कि ये तीनों कानूनों के पूर्ण स्पिरिट के साथ देश भर में लागू होने के बाद ये कानून सबसे आधुनिक न्याय प्रणाली का सर्जन करेंगे। टेक्नोलॉजी को हमने न केवल अपनाया है, आने वाले 50 सालों तक टेक्नोलॉजी में जो भी अनुसंधान होने की संभावनाएं हैं, इस सब को कानून के अंदर हमने व्याख्या के तौर पर समाहित किया है, जिससे आने वाले समय में भी जो अनुसंधान होंगे वो व्याख्यायित किए गए। ये विश्व की सबसे आधुनिक न्याय प्रणाली बनेगी, इसका मुझे विश्वास है। कंप्यूटराइजेशन की प्रक्रिया ऑलरेडी पूरी हो गई है, 99.9% थाने कंप्यूटराइज हो चुके हैं। ई रिकॉर्ड जनरेट करने की प्रक्रिया भी हमने 2019 से ही चालू कर दी थी। जीरो एफआईआर, ई एफआईआर, चार्जशीट और जवाब, ये सभी डिजिटल होगा। किसी को बड़े बड़े जेरोक्स निकालकर करने की जरूरत नहीं है। 1,00,000 पेज की चार्जशीट भी एक छोटे से पेन ड्राइव से जजिस के सामने जाएगी और पक्षकर्ताओं को दिए जाएगी। 90 दिन के अंदर इस कानून में पीड़ित को, जिन्होंने न्याय की गुहार की है, उनको अपने केस का प्रोग्रेस ऑटोमेटिकली ऑनलाइन भेजा जाएगा। तो ये तमाम बड़े बदलाव, भारतीय न्याय संहिता, इसे BNS नाम दिया गया है, जिसमें कुल 358 धाराएं हैं। पहले आईपीसी में कुल 511 धाराएं थी, यानी धाराओं में भी एक तरह से कमी आई है। BNS में 20 नए अपराध भी शामिल किए गए हैं। 33 अपराधों में सजा की अवधि बढ़ाई गई है, 23 अपराधों में अनिवार्य न्यूनतम सजा का प्रावधान है और कुल 83 अपराधों में जुर्माने की राशि में इजाफा किया गया है। ये बड़े बदलाव आप देख रहे हैं। अंग्रेजों का कानून खत्म हो गया है, भारतीय कानून लागू हुआ। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में 167 कुल प्रावधान थे, अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी एविडेंस एक्ट जो है 2023 का, जिसे पिछले साल पास किया गया, इसमें कुल 170 प्रावधान है, एविडेंस एक्ट की बात है। वहीं जुर्माने की राशि भी कई केसेस में बढ़ाई गई है। 6 अपराधों में सामुदायिक सेवा का प्रावधान किया गया है कि अगर इस तरह का अपराध किया जाता है तो उसमें सामुदायिक सेवा करनी होगी। पहले भारतीय दंड संहिता आईपीसी में 1860 के तहत जो नाम था उसमें तब्दीली की गई, अब इसमें भारतीय न्याय संहिता नाम दिया गया है। और सीआरपीसी में 484 धाराएं पहले हुआ करती थी, अब इसमें 531 धाराएं हैं। और कई अधिनियम में धाराओं को हटाया भी गया है या निरस्त भी किया गया है। 8 नई धाराएं जोड़ी गई हैं, 22 धाराओं को निरस्त कर दिया गया है। और इसी तरह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में कुल 531 धाराएं हैं, सीआरपीसी में 484 धाराएं थी, BNSS में कुल 177 प्रावधान बदल दिए गए हैं। 7 नई धाराओं के साथ 39 नई उपधाराएं भी जोड़ी गई हैं, 44 नए प्रावधान और स्पष्टीकरण भी इससे जोड़े गए हैं। 35 सेक्शंस में समय सीमा यानी कि डेडलाइन जोड़ दी गई है और 35 सेक्शन पर ऑडियो वीडियो प्रावधान भी जोड़ा गया है, जो अंग्रेजों के जमाने के इन कानूनों में नहीं था। कुल 14 धाराएं निरस्त की गई हैं या हटा दी गई हैं। और धारा 152 में कहा गया है, अगर कोई जानबूझकर, लिखकर, बोलकर या संकेतों से या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रदर्शन करके ऐसी हरकत करता है जिससे कि विद्रोह फूट सकता हो, देश की एकता को खतरा हो
या अलगाव और भेदभाव को बढ़ावा दिया जाता हो तो ऐसे मामले में दोषी पाए जाने पर उम्र कैद या फिर 7 साल की सजा है। इसको लेकर गृहमंत्री अमित शाह ने और जानकारी स्पष्ट की और बताया कि किस तरह से सजा का प्रावधान इसमें किया गया है। प्रावधान ऐसे किए गए हैं जिससे कई समूहों को फायदा होगा। कई सारी दफाएं जो अंग्रेजों के समय से विवाद में रही, इसको हटाकर आज के समय के अनुकूल धाराएं जोड़ी गई है और कई सारी ऐसी चीजें जिससे भारतीय नागरिकों को परेशानी थी, इसको हटाकर नए प्रावधान किए गए। तो कई सारी तब्दीलियां, कई सारे बदलाव और कई नए प्रावधान, जबकि कई पुरानी धाराओं को हटाया भी गया है, कुछ धाराओं को निरस्त किया गया, कुछ में डेडलाइन जोड़ी गई, कुछ में जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है उनको भी एड ऑन किया गया है। पहले आईपीसी हुआ करती थी जिसे हिंदी में भारतीय न्याय संहिता कहते थे। इसे अंग्रेज 1860 में लेकर आए थे, यानी करीब आज से दशकों पहले, यानी आप समझिए 1860 में इसको लेकर आया गया। और सीआरपीसी जिसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता से रिप्लेस किया गया है, सीआरपीसी 1898 में लेकर अंग्रेज आए थे। एविडेंस एक्ट जिसे बदलकर अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम रखा गया है, ये भी 19वीं सदी का कानून था। और कानूनों के लागू होने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने मीडिया को इन कानूनों की जानकारी दी। शाह ने कहा कि आजादी के 77 साल बाद क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम अब पूरी तरह से स्वदेशी हो गया है। अमित शाह ने कहा कि अब दंड की जगह इंसाफ मिलेगा, न्याय मिलेगा, मामलों में देरी की जगह स्पीडी ट्रायल्स होंगे और सबसे आधुनिक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम भारत में बनेगा। यह दावा गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। हमारे संविधान के स्पिरिट के तहत दफाओं की और चैप्टर्स की प्रायोरिटी तय की है। सबसे पहली प्रायोरिटी महिलाओं और बच्चों के अपराध को दी गई है और मैं मानता हूं कि ये करने की बहुत समय से पहले जरूरत थी। एक पूरा अध्याय इसमें जोड़ा गया है जिसमें 35 धाराएं हैं और 13 प्रावधान हैं, जिसमें गैंग रेप के लिए अब 20 साल की सजा या तो कारावास, आजीवन कारावास, नाबालिग के साथ बलात्कार में मौत की सजा, झूठा वादा पहचान छिपाकर शोषण करने वालों के लिए भी अलग से अपराध बनाया गया है। पहले सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से चलता था। पीड़िता का बयान उसके घर पर महिला अधिकारियों की उपस्थिति में और अपने परिजनों की उपस्थिति में लेने का भी प्रावधान किया है और इसके साथ साथ ऑनलाइन एफआईआर की व्यवस्था से भी ढेर सारी उत्पीड़न का सामना कर रही महिला एम्बरेसमेंट से बच पाएगी, ऐसा हमारा मानना है। गृहमंत्री अमित शाह ने आगे कहा, राजद्रोह को हमने जड़ से खत्म कर दिया है। पहले सरकार के खिलाफ बयान देना गुनाह था। ये कानून सबसे आधुनिक न्याय प्रणाली का सृजन करेगी। गृहमंत्री ने आगे बताया कि हमने कंप्यूटराइजेशन की प्रक्रिया 99.9% पूरी कर ली है। 90 दिन के अंदर पीड़ित को केस का अपडेट ऑनलाइन भेजा जाएगा। ये कानून पीड़ित के पक्ष में बनाया गया है। साथ ही तलाशी या रेड दोनों ही मामलों में वीडियोग्राफी की भी यहां पर कोशिश होगी। उन्होंने ये भी कहा कि न्याय प्रक्रिया अब संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल सभी भाषाओं में शामिल की जाएगी। अंग्रेजों ने अपने शासन की रक्षा के लिए बनाया, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे तिलक महाराज हो, चाहे सरदार पटेल हो, सभी लोग यही कानून के तहत 6-6 साल की सजा काटे थे। इसी कानून के तहत केसरी पर प्रतिबंध लगाया गया था। वो अपने राज्य की सुरक्षा के लिए अंग्रेजों ने बनाया हुआ कानून था। राजद्रोह को हमने जड़ से समाप्त कर दिया है और देश विरोधी हरकतों के लिए नई धारा लेकर आए हैं। पहले सरकार के खिलाफ स्टेटमेंट देना गुनाह था, अब भारत की एकता और अखंडता को क्षतिग्रस्त करने के लिए ये कानून अमल में आएगा। तो आजादी के इतने सालों के बाद ये कानून में बदलाव हुआ है जो एक बहुत बड़ा परिचायक है हमारे संविधान के स्पिरिट। तो बदलावों को भी समझिए, मर्डर करने पर धारा 302 नहीं धारा 101 लगेगी।
धोखाधड़ी के लिए फेमस धारा 420 अब 318 हो गई है। रेप की धारा 375 नहीं अब 63 है। शादीशुदा महिला को फुसलाना अब अपराध है, जबकि जबरन अप्राकृतिक यौन संबंध अब अपराध की कैटेगरी में नहीं आएगा। आईपीसी की धारा, बीएनएस की धारा पहले और अब इसमें तब्दीली क्या है समझिए। 302 की धारा जो आईपीसी में थी वो बदलकर 103 हो गई है। 304 बी दहेज हत्या की धारा 80 हो चुकी है। अब भारतीय न्याय संहिता में 379 चोरी की धारा बदलकर 303 हो गई। 376 रेप का मामला जो था वो अब धारा 64 होगी। 420 धोखाधड़ी के लिए जो आईपीसी लगती थी वो न्याय संहिता में 318 है। 120 बी जिसमें आपराधिक साजिश का प्रावधान था वो अब धारा 61 हो गई है। और देश भर में तीनों नए क्रिमिनल कानून लागू होने से ये बदलाव हुए हैं। कानूनों में महिलाओं, बच्चों और जानवरों से जुड़ी हिंसा के कानूनों को सख्त किया गया है। कई प्रोसीजरल बदलाव भी हुए हैं जिससे अब घर बैठकर ही EFIR दर्ज करा सकते हैं। महिलाओं से संबंधित क्या है, कौन से अपराध किस श्रेणी में रखे गए हैं ये भी बताते हैं, क्योंकि महिलाओं से जुड़े अपराध को यहाँ प्रायोरिटी दी गई है आईपीसी की जगह बीएनएस, जहां महिला संबंधी अपराध में अगर बात की जाए धारा 374 धारा 74 हो चुकी है छेड़खानी की, धारा 354 ए यौन उत्पीड़न से जुड़ी हुई अब धारा 75 बन चुकी है, धारा 354 बी निर्वस्त करने की कोशिश अब धारा 76 बन चुकी है, 374 सी अब 77 में तब्दील हो चुकी है, ताक झांक करना जो 354 डी में था, 354 डी जो जिसमें पीछा करने का दरअसल जिक्र था वो धारा 78 हो चुकी है, और धारा 509 लज्जा भंग करना धारा 79 में तब्दील हो चुकी है। नए कानूनों के अनुसार आपराधिक मामलों में फैसला सुनवाई पूरी होने के 45 दिनों के अंदर आना चाहिए। पहली सुनवाई के 60 दिनों के अंदर आरोप तय होने चाहिए। बलात्कार पीड़ितों का बयान एक महिला पुलिस अधिकारी या उसके अभिभावक की मौजूदगी में होगा, ये भी इसमें परिभाषित किया गया है। राजद्रोह की जगह देशद्रोह पढ़ा जाएगा। 5 बड़े बदलाव क्या हैं ये भी समझिए। क्या बदला ये समझिए। दरअसल शादी का झांसा देकर यौन शोषण अपराध होगा। मॉब लिंचिंग के लिए अलग से कानून है। संगठित अपराध के लिए अलग कानून। आतंकवाद क्रिमिनल कानून में शामिल। सरकारी काम में बाधा के लिए सुसाइड अटेम्प्ट अपराध है। 3 से 7 साल सजा वाले 0 FIR में फॉरेंसिक जांच, हत्या, लूट, दुष्कर्म जैसे मामलों में नई FIR संभव है। FIR के 90 दिन के भीतर चार्जशीट दाखिल करनी होगी और चार्जशीट दाखिल होने के 60 दिन में आरोप तय होंगे। सुनवाई पूरी होने के 30 दिन के अंदर कोर्ट को फैसला भी देना होगा। कागजी दस्तावेज की तरह इलेक्ट्रॉनिक सबूत भी कोर्ट में अब मान्य होंगे। और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में खास क्या है ये भी समझिए। दरअसल बदलाव नंबर 1, इंडियन एविडेंस एक्ट में 167 धाराएं थी जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 170 है। बदलाव नंबर 2, 6 धाराएं निरस्त की गई, 2 नई धाराएं जोड़ी गई, 6 उप धाराएं इसमें एड ऑन की गई हैं। ईमेल सर्वर लॉग स्मार्टफोन वॉइस मेल जैसे रिकॉर्ड अब सबूत काउंट होंगे, पहले नहीं था। 4th बदलाव है कि इलेक्ट्रॉनिक सबूत भी कागजी रिकॉर्ड की तरह कोर्ट में मान्य होंगे, इनको सबूत की तरह माना जाएगा। गवाहों की सुरक्षा के लिए भी अब प्रावधान किया गया है। वहीं बीएनएस में राजद्रोह से जुड़ी अलग धाराएं नहीं है, राजद्रोह को खत्म कर दिया गया है। राजद्रोह को एक नया शब्द देशद्रोह मिला है। राजद्रोह अंग्रेजों ने अपनी हुकूमत के लिए, ब्रिटानिया हुकूमत के लिए रखा था, लेकिन अब इसको देशद्रोह किया गया है। आईपीसी की धारा 124 ए में राजद्रोह का कानून था। नए कानून में देश की संप्रभुता को चुनौती देना, अखंडता पर हमला करने या खतरा पहुंचाने वाले कृत्यों को देशद्रोह में शामिल किया गया है। देशद्रोह से जुड़े मामलों को धारा 147 से लेकर 158 तक में परिभाषित किया गया है। 147 में कहा गया कि देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए दोषी पाए जाने पर फांसी या उम्रकैद तक की सजा होगी।